नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्रेम सागर वर्मा। दोस्तों क्या आप लोग Asus के Max Pro M1 के यूजर्स हैं, या दोस्तों Asus के वही दोस्तों उर्फ कह सकते हैं Asus का Zenfone Max Pro M1 के यूजर्स यूज करते हैं, या दोस्तों आपके यूजर या आपके घर में कोई यूज करता है, या दोस्तों यूज करने वाले या खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों खरीदे तक अभी तक नहीं है तो दोस्तों कोई बात नहीं, इसके लिए लेकर अभी तक आप फोन इसके यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास है इसके वीडियो के अंदर ये वीडियो के लिए है, क्योंकि दोस्तों बता दूं कि Asus का Zenfone Max Pro M1 को दोस्तों ये सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है। इस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको बहुत से इसमें सुधार देखने को मिल रहेगा इस अपडेट में। दोस्तों इसमें क्या क्या अपडेट मिलने वाले हैं और दोस्तों क्या क्या फीचर्स मिलने वाली है, इसमें आप क्या क्या सुधार मिलने वाले हैं, उसके किस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आपको मिलने वाला है, इस वीडियो में पूरा बताने वाला। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, साथ में भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमेशा अपडेट से जुड़े लेकर आते रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप Asus के Max Pro M1 की यूजर्स हैं, उर्फ कह सकते हैं Asus Zenfone Max Pro M1 की यूजर्स हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये आपके फोन को दोस्तों आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला होगा, दोस्तों ये अपडेट कर रहा है। ये Asus का Zenfone Max Pro M1 की यूजर्स को दोस्तों Asus के अपने फोन को ये अपडेट कर रहा है। इस अपडेट में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आपको बहुत से फीचर्स इसमें, जैसे कि पैटर्न लॉक, पिन लॉक और फेस लॉक, जैसे कि जैसे लॉक वाला सिस्टम है उसको दोस्तों बहुत ही फास्ट कर रहा है। इसमें पैटर्न लॉक पिन लॉक दोस्तों बहुत ही पहले स्लो था और बहुत थोड़ा सा फास्ट नहीं काम करता था, अब इसमें दोस्तों इस अपडेट के साथ आपको तो बहुत ही फास्ट काम करने लगेगा। और दोस्तों आपको जैसे बात बता दूं, इससे डार्क मोड को लेकर थोड़ा कंप्लेन आ रही थी, इसके बता दूं डार्क मोड भी जुड़ गया, जो सिस्टम है दोस्तों डार्क मोड को भी थोड़ा फास्ट कर रहा है, इसमें डार्क मोड भी फास्ट सिस्टम जुड़ गया इसमें दोस्तों। हर फीचर कैमरा एम्प्रोमाइज जैसे फीचर्स को भी जो बहुत अच्छा फीचर्स को सुधार कर रहा है। ये Asus Zenfone Max Pro M1 को बात करें तो उसकी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी इस महीने यानी कि जुलाई महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दे रहा है, यानी कि दोस्तों जिस जुलाई महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी मिल जा रहा है आपको। और दोस्तों इस कुछ दिन पहले Asus ने अपने M2 को भी अपडेट किया था, अब इस M1 को भी अपडेट कर रहा है, यानी कि दोस्तों ये एंड्रॉइड का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है, ये दोस्तों स्पेशली लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, इस सिक्योरिटी पैच बहुत से इसमें सुधार कर रहे हैं, जैसे कि आपको जैसे प्रॉब्लम थी कुछ इसमें बग्स भी फिक्स कर दिए जा रहे हैं, जिससे आपको दिक्कतें थी उसको भी सुधार कर दी गई है। इसमें थोड़ा स्लो चलने की शिकायत था वो भी थोड़ा अब सब कुछ सुधार कर दिया गया। तो अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला होगा तो आप लोग नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा तो नोटिफिकेशन में सेटिंग में जाकर वहां से नोटिफिकेशन में जाकर चेक करें। और स्पेशली दोस्तों ये इंडियन वालों के लिए है, जो इंडियन में यूजर्स हैं उन्हीं लोग के लिए है। तो दोस्तों आप इंडियन यूजर हैं तो उसको जब जरूर अपडेट करें, क्योंकि ये इंडिया में ही अपडेट दे रहा है, बाकी जगहों पर अभी अपडेट नहीं आया है, ये पहले इंडिया में ला रहा है। तो आप लोग अभी तक अपडेट नहीं किया तो सेटिंग में जाकर उससे सॉफ्टवेयर को अपडेट कर ले। आप लोग मैं अपडेट करने से पहले एक सजेशन दूंगा कि ऐसे जब अपडेट करें तो दोस्तों आप लोग वाईफाई कनेक्ट करके अपडेट करें और साथ में दोस्तों बैटरी जरूर चार्ज करें, क्योंकि और इसमें दोस्तों बैटरी चार्ज करने से एक बात और याद है कि इसमें जब जो सुधार कर रहा है, जो बैटरी के लेकर शिकायत थी इसकी, उसको भी दोस्तों इस ऑटोमाइज एस्टेब्लिश कर रहा है, यानी कि इस अपडेट से आपकी बैटरी भी थोड़ा बहुत दोस्तों आपकी टिकने लगेगी, उसके मतलब बैटरी अब उतनी खपत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आप इस अपडेट के साथ कि इसमें भी आपकी बैटरी के भी सुधार हो रहा है इसमें। तो देखते हैं दोस्तों आप लोग कौन कौन को अपडेट मिल चुका है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसको नहीं मिला वो भी कर बताइएगा, और हम लोग हमको ये भी बताइएगा कि ये अपडेट करने के बाद आपको फोन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि अपडेट से जुड़ी खबरें हमेशा लाके रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।